हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शरीर से रिलेटेड जितनी भी ध्वनियाँ या साउंड्स निकलते हैं उनके बारे में, जैसे डकार, इचकी, खांसी, छींक, कराना, हाँफना आदि जैसे रिलेटेड वर्ड। आज हम इंग्लिश में कैसे इसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आपके बोल चाल की भाषाओं में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वर्ड को जानने के बाद। तो आइए हम सीखते हैं आज इन वर्डों को इंग्लिश में। हमारा पहला वर्ड स्टार्टिंग करेंगे डकार। डकार को हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्प या बेल्च, burp belch, बर्प या बेल्च, इसको हम डकार बोल सकते हैं। और दूसरा वर्ड है हिचकी। हिचकी को हम हिक्का बोलते हैं। तीसरा है खांसी। खांसी को हम कफ या का खांसी बोलते हैं, खांसी को कफ बोलते हैं। और छींक, छींक को हम स्नीज बोलते हैं, छींक। चौथा वर्ड हमारा छींक है, छींक को हम स्नीज बोलते हैं। और कराना, कराना ग्रोन, कराना को हम ग्रोन बोलते हैं। और हाफना, हाफना के सेंस में पैंटिंग या पैंट बोल सकते हैं आप, ING सेंस में लगा सकते हैं, बट हम उनका एक्चुअल मीनिंग बता रहे हैं। तो यहाँ पे फूकना, फूकने के लिए पफ, या उसको बोलने के लिए आप प्रोनाउंस करने के समय पफिंग बोल सकते हैं, पफ, पफ मीन्स फूकना। नेक्स्ट वर्ड है सूंघना। सूंघना को हम स्निफ बोलते हैं, SNIFF, स्निफ, खर्राटे लेना, सोते वक्त जो खर्राटा लिया जाता है उसको हम लोग स्नोर बोलते हैं, स्नोर, SNORE, स्नोर, स्नोर मीन्स खर्राटे। उबासी, उबासी या जवाई लेना, उसको हम लोग यान बोलते हैं, YAWN, यान, यान मीन्स उबासी या जवाई लेना। चुटकी बजाना, चुटकी या स्नैप फिंगर, इसको हम इंग्लिश में स्नैप फिंगर ही बोलते हैं, ये स्नैप फिंगर मतलब चुटकी बजाना। और नेक्स्ट वर्ड है दांत पीसना। दांत पीसना को हम इंग्लिश वर्ड में टीथ ग्राइंडिंग बोलते हैं, टीथ ग्राइंडिंग, TEETH, TEETH, GRANDING, ग्राइंडिंग, टीथ ग्राइंडिंग को दांत पीसना। और गागल, गागल को हम गर्रारे, जो हम लोग एक्चुअल में खांसी के वक्त गर्रारे करते हैं पानी के साथ, या मुंह धुलते वक्त गर्रारे करते हैं, उसका मीनिंग है गार्गल, गार्गल मीन्स गर्रारे। तो आई होप ये वीडियो आपको बोलचाल भाषाओं में ज़्यादा मदद देगी इंग्लिश अगर बोलते हैं तो थैंक यू गाइस। इस तरह के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजमगढ़ क्लासेस से न्यू वीडियो अपडेट आपके पास पहुँचती रहेगी। थैंक यू गाइस।